आज तो भाई मौसम भी बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है और आज जो है वो रात को बहुत ज़्यादा हमारे घर के स्पेशली बॉयज़ एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि आज उनका स्पेशल डे है, लाइक उनकी सेलिब्रेशन है, पार्टी है। सो हम भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे उनके साथ। अभी मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि मेरे मेहमान आ चुके हैं, मेरी खाला और बाकी सब तो चल के उनको मिलकर आते हैं। और व्यूअर्स, ईद का सेकेंड डे, आज हमारे घर पे भाई बारबेक्यू पार्टी का प्लान है और यहाँ पे जो है ये भाभी और भाई मिलकर सारा मसाला तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए मेरे भाई के माशाल्लाह मजबूत हाथ, इन बोटियों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। मजदूरों वाले हाथ ही, मैंने इतनी अच्छी तारीफ की है, मजबूत हाथ। अब ये अच्छे से मर जाऊँगी, आपस में मिक्स होंगी। सॉरी, गेस्ट भी आप रात को देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन गेस्ट आए हैं। तो ये सारा छोटी सी एक पार्टी अरेंज हो रही है। वैसे तो रात का खाना शाना अलग बनेगा, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मैं घर आ गई थी, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आप सबको वेलकम भी करती हूँ और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे ये देखें छोटी छोटी बूटियाँ तैयार। नहीं कर रहा, पहले नहीं कर रहा। चलो अब लो ना, लतीफ ऐसे तुम अपने हाथों पे रखो ना, तुम्हारे बाल आ रहे हैं इतने। हाँ, ऐसे हाथों पे बूटियाँ रखो। नहीं, ये तो जेंट्स शेफ है, पता चल रहा है तरीके से स्टाइल। ग्लव्स नहीं लगाए, ऐसे बाल नहीं आ जाए बूटियों पे। किसी की बूटी में बाल आ जाए तो समझ जाना उसके हाथ का है। हाँ, नहीं भाई, नहीं, मेरा भाई बहुत साफ सुथरा है माशाल्लाह, इसकी दुनिया तारीफ करती है। चुप कर, मुले का कहता होगा, हमारा नहीं आता ये बाल वाला एड करना, कुछ है नहीं। खाने के बाद लगेगा। लाइट देख ली, अब खुश। ये और भाई अभी मैं आ गई हूँ किचन में भाभी के पास। यहाँ पे भाभी ने अपने सारे जो है वो खाने के सारे सामान निकाल लिया है। आज ये बना रही हैं चने का पुलाव, ठीक है, बिरयानी, चने की बिरयानी। तो चलें भाभी अपना काम करती हैं, जब तक मैं भी थोड़ा कोई काम में हेल्प करवा देती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और भी इस वक्त जो है तकरीबन खाना स्टार्ट किए हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। यहाँ पे जो है वो भाभी ने बिरयानी के चावल जो है वो भिगो दिए हैं, बल्कि बॉयल हो रहे हैं पानी में। और ये देखें जी, बड़ा ही ज़बरदस्त मसाले डाल के बिरयानी की बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर ये मसाला तैयार। अब फाइनल लुक मैं आपको दस्तरखान की दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं चलती हूँ ऊपर क्योंकि जी जो मीठा तैयार किया था उसे हम फ्रिज में रख के आने वाले हैं। और ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, तो इनमें भी मसाला अच्छे से जज्ब हो चुका है और ये बहुत अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त। और भाई आज तो हमारे अब्दुल सलाम की मौजें हो गई हैं, बहनें आ गई हैं खेलने के लिए साथ। भाई के साथ बैठो, लेकिन अब्दुल सलाम बहुत हमारा जो है ना वो शरारतें कर रहा है, मस्तियाँ कर रहा है इनके साथ। अब ये देखें क्या है? नो बाबा, देख रहे हैं आप ये हरकतें हैं। अब ये शरीर होता जा रहा है हमारा, बड़ा हो गया ना जैसे। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, कैसे हो? ठीक हो? बारबेक्यू हो रहा है भाई, मैंने आग लगाई है। अच्छा, इनको आग लगाने के लिए दिए, उनको दिए गोश्त वोश के लिए, वो बोटियाँ भर रहे हैं, मैं आग तैयार कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। और भाई यहाँ पे ये हमारी जो है वो बारबेक्यू पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। और ये हमारा अब्दुल सलाम जो है फुल रेडी हो के आया हुआ है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक मिनट।
फुल इंतज़ाम है भाई यहाँ पे, हर चीज़ मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त बज रहे हैं रात के तकरीबन 12:30 और हम लोगों ने यहाँ पे सारे जो है वो घर के जेंट्स के यानी लड़कों के बिस्तर लगा दिए हैं। अब्दुल सलाम बाबा आप भी इधर सोओगे? अच्छा इधर सोओगे आप भी। यहाँ पे सारे जो है ये गद्दे शद्दे लगा के और बिस्तर डन कर दिए गए हैं और ये वाला जो मेरा भाई है ये बहुत ज़्यादा थक गया तो ये सो गया, बाकी जो सारे हैं ये फ़िलहाल बाहर गए हुए हैं और अब्दुल सलाम भी बहुत थक गया। बाबा ये क्या हो रहा है? और भाई हमारी बारबेक्यू पार्टी ख़त्म हुई, अब हमारे सामने जो है पड़ोसी हमारे अब उनकी तरफ जो है वो बारबेक्यू पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, अब वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं। मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़ बाबा, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़। हैप्पी गुड मॉर्निंग जी, एक और सुबह का आगाज़ हो गया, बिस्तर बिस्तर समेटे जा चुके हैं, सब उठ चुके हैं, जितने भी हमारे घर के लड़के ऊपर सोए थे वो सब उठ गए हैं और आ गए हैं नीचे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता यहाँ पे तैयार है जी, और आजकल चूँकि मैंगो का सीज़न भी है तो चलो जी हमने कहा किया नाश्ते में आम भी हो जाए। वैसे सब ने नाश्ता इंजॉय कर लिया और मैं आ गई इस वक्त नीचे, यहाँ पे ये दोनों जो है वो बच्चियाँ हमारी तैयार हैं और अभी जो है ये लोग घर वापस जाने की तैयारी में है बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 12:30 या 1 बज रहा था। यहाँ पर मैं किचन में आई तो हमने किचन वैसे तो समेट दिया था लेकिन थोड़ी देर बाद हमें सेट करना था तो बस थोड़ी देर में ये काम भी स्टार्ट करते हैं। सो जी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलूंगी एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। और मेरे साथ सुहाना हलवा एंजॉय कीजिए जो कि मेरे भाई लेकर आए हैं और देखने में तो बड़ा ही मज़ेदार सा लग रहा है, तो चलो जी इसको टेस्ट करते हैं और आप लोगों से फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर तो वीडियो पसंद आती है तो काइंडली प्लीज़ लाइक, कमेंट भी अच्छे से किया कीजिए अगर पसंद आती है, अगर नहीं आती तो इट्स ओके। सो मच, अल्लाह हाफिज़।